आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चुनावी बिगुल बजा, उम्मीदवारों के नाम तय नहीं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। पुलवामा के त्राल में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी का हार्ट अटैक से निधन, 63 वर्ष के थे तिवारी। शिवराज सिंह का बयान, मोदी प्रधानमंत्री हो ये देश चाहता है, अब लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते। और राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी के बिगड़े बोल, सोनी ने कांग्रेस नेताओं के बारे में की अभद्र टिप्पणियां। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की सबसे बड़ी सियासी जंग शुरू हो गई है। यूं तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का भी दमखम साफ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन की कोशिश को बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसका असर यह है कि कई राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला तय नजर आ रहा है। सपा और बसपा ने एक तरह से कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए गठबंधन कर लिया। वहीं प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अपना दल को साथ लेकर लड़ रही भाजपा का तो दावा है कि इस बार अमेठी और आजमगढ़ भी उनकी झोली में होंगे। पिछली बार भाजपा ने 71 सीट जीती थी। सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है। 48 सीटों के मुकाबले में एक तरफ भाजपा और शिवसेना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राकांपा। पिछली बार भाजपा ने 23 तो शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 2 तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कैप्टन अरविंदर सिंह की अगुवाई में यहां कांग्रेस मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी वोट काट सकती है। भाजपा जूनियर पार्टनर है और सारा दारोमदार अकाली दल पर है। पिछली बार शिरोमणि अकाली दल 4, आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3, भाजपा 2 सीट पर कब्जा जमा पाई थी। 40 सीट वाले बिहार में स्थिति साफ नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा और सहयोगी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और राम विलास पासवान की पार्टी एलजेपी है, तो दूसरे खेमे में लालू की पार्टी सीनियर है। हालांकि अभी इनके बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। 14 सीटों वाले झारखंड में भी सीधी टक्कर है। एक तरफ भाजपा और आजासू है, दूसरी तरफ शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम है। यह कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भाजपा ने 12 और जेएमएम ने 2 सीट जीती थी। यहां 39 सीटें हैं और पहली बार AIADMK को जयललिता के बगैर चुनाव में उतारना पड़ रहा है। भाजपा ने DMDK को भी साथ रखा है। वहीं कांग्रेस और DMK मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2014 में जयललिता का जादू सिर चढ़कर बोला था और उनकी पार्टी ने 37 सीटें अपनी झोली में डाली थी। 7 सीटों वाले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है, यानी यहां त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। भाजपा ने पिछली बार सूपड़ा साफ कर दिया था और सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करा ली थी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में राजस्थान की 25 सीटें, गुजरात की 26 सीटों और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। जब जब पाकिस्तान या चीन के खिलाफ जंग या तनाव के बाद चुनाव हुए हैं, तो इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिला है। इत्तफाक इस बार भी पाकिस्तान में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आम चुनाव है। ऐसे में इतिहास पर नजर डालें तो इसका फायदा क्या सीधे मोदी सरकार को मिल सकता है? पुलवामा आतंकी हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक मौजूदा लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका फायदा किसी पार्टी या गठबंधन को मिले या नहीं। यह जानना दिलचस्प होगा कि इससे पहले जब जब पाकिस्तान या चीन के खिलाफ जंग या तनाव के बाद चुनाव हुए हैं,
तो क्या इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिला या मतदाताओं का भरोसा विपक्ष में बढ़ गया? 1974 कश्मीर युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे इस तनाव के समय कांग्रेस सत्ता में थी, उसके पास 364 सीट थी। वहीं इस सैन्य टकराव के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 371 हो गई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, चीन के साथ हुई इस जंग के समय भी कांग्रेस सरकार में थी और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। जंग से पहले 361 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। युद्ध के बाद हुए चुनाव में इसकी सीटें घटकर 283 रह गई थी। 1965 भारत पाक युद्ध में इस जंग से पहले कांग्रेस की झोली में 283 सीटें थी, जो बाद में बढ़कर 352 हो गई। भारत ने पाकिस्तान से यह जंग जीती थी। 1971 भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन इसके बाद 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का नुकसान सत्तारूढ़ कांग्रेस को हुआ। 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटें 352 से घटकर 154 रह गई थी। 1999 कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब कारगिल में हालात बिगड़ गए, तब एनडीए की अटल बिहारी सरकार थी, कांग्रेस की 141 सीटों के मुकाबले 254 सीटें जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई थी। इसके बाद हुए 1999 के चुनाव में भाजपा सत्ता में बनी रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी का संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे विधायक और सांसद रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलने के बाद समर्थकों में शोक की लहर छा गई। अस्पताल के CMO डॉक्टर अतुल सिंह और सुंदरलाल तिवारी की भतीजी कविता पांडे ने उनके निधन की पुष्टि की। सुंदरलाल तिवारी एक आक्रामक नेता रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार में सुंदरलाल तिवारी ने कई बार सरकार को घेर कर उसे कटघरे में खड़ा किया। मंगलवार को मनगांव के तिवनी में तिवारी का अंतिम संस्कार होगा। 63 वर्ष के सुंदरलाल तिवारी के स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन सोमवार को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। निधन की खबर के बाद से पूरे विंध्य क्षेत्र में मातम का माहौल है। जनता के लिए सक्रियता से वो काम करते रहे, उनकी समस्याओं के लिए लगते संघर्ष करते रहे। विधानसभा लोकसभा में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हर मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए थे मुद्दे को उन्होंने समय समय पर उठाया। निश्चित रूप से उनके निधन से अपूर्ण क्षति हुई है और उसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। हम सब दुखी हैं, पूरा प्रदेश दुखी है और पूरे विचारधारा के लोग माने कायल हैं। हम सब जो है उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। समाज और देश के बारे में उनका चिंतन बहुत स्पष्ट था और रीवा जिले को क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार, उनके साथियों को संबल प्रदान करे। अब ये न केवल रीवा को, समाज को, शिष्य को बहुत ज़बरदस्त क्षति हुई है, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। उनके तमाम सुख दुख में शामिल होना, उनके लिए आवाज़ उठाना। और पिछले 5 साल में हम दोनों 7 साल विधानसभा में रहे और जिस तरह से 5 साल लगातार एक पहचान बन गए थे, आवाज़ की एक पहचान सुंदरलाल तिवारी ने विधानसभा में बनाई थी और वाकई में उस कमी को रीवा जिला तो कम से कम पूरा नहीं कर सकता है। इससे बड़ी अपूर्ण क्षेत्र कुछ हो नहीं सकता। चले जाएंगे, किसी को भरोसा नहीं, अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, बता रहे हैं लोग, लौट के आए और बैठे हुए थे और अचानक हार्ट अटैक हुआ। वो तो हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विंध्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी थे, निश्चित रूप से विंध्य की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है। सुंदरलाल तिवारी का पार्थिव शरीर को उनके निवास पर दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां आम जनमानस के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे। सुंदरलाल तिवारी का निधन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वे विंध्य इलाके के कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज थे। मध्य प्रदेश की जनता मजबूत सरकार चाहती है, मजबूर सरकार नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री हों ये देश चाहता है, लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते।
शिवराज इतने पर भी चुप नहीं हुए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पहले से हार की भूमिका तैयार कर रही है। चुनाव शुरू होने के पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगाना इसी मानसिकता का प्रतीक है। चुनाव 5 साल में होते हैं, ऐसे में कोई कारण नहीं है कि चुनाव टाला जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बताया। कहा, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं। इस बार 29 में से पूरी 29 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। मोदी जी प्रधानमंत्री हो ये देश चाहता है, लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते हैं। सुरक्षित भारत केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मैं तो लगातार विधानसभा के चुनाव के बाद मैं जमीन पे हूँ, फील्ड में हूँ, जनता के बीच में हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता भी मजबूत सरकार चाहती है, मजबूर सरकार नहीं चाहती। पूरा देश भी मानता है, जानता है और मध्य प्रदेश की जनता भी ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, समर्थ, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। जनता चाहती है कि ये नए भारत का जो उदय हुआ है ये लगातार आगे बढ़ता रहे और भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बन जाए। विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग थे, परिस्थितियां ऐसी थी कि चुनाव परिणाम विपरीत आए। महागठबंधन बनाते हैं लेकिन दिल और लाभ नहीं मिलते। राज्यों में आपस में ही कुश्ती लड़ रहे हैं, वादे किए वो खोखले थे। जनता का कहना है धान उठाई नहीं गई, प्याज का किसान आंसू बहा रहा है, ओले पाले का पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त और चौपट हो चुकी है। अब लोग मामा को याद कर रहे हैं। जनकल्याण केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, इसीलिए आश्वस्त हूँ इस बार भी भाजपा जीतेगी। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं यह पार्टी तय करेगी। दक्षिण कश्मीर स्थित पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस बीच खबर है कि मारे गए आतंकियों में जैश आतंकी और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर भी शामिल है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। कई जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले आतंकियों का ठिकाना बने मकान को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। त्राल के पिंगलिश क्षेत्र में सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर तलाशी अभियान शुरू कर लिया। इस दौरान एक घर में छुपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। काफी देर बाद गोलाबारी चलती रही। इसके बाद जिस घर में आतंकी छुपे थे सुरक्षा बलों ने उसे उड़ा दिया। पहले 2 शव मिले, इसके बाद एहतियात बरतते हुए तलाशी अभियान चलाया गया। कुछ देर बाद मलबे में एक और शव मिला। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। यह कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद।
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरसिंहपुर में एक सभा के दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सोनी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री कमलनाथ और रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। सोनी की सभा में लोग उनके भाषण पर ठहाका लगाते रहे। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने गांधी परिवार पर सीधा हमला करते हुए कहा, वाड्रा की कोई जांच नहीं, पार्लियामेंट का बाप बना है, यह क्या है साला, यह वाड्रा कहां का वाड्रा, हराम खोरों की फौज इकट्ठा है, हजारों घोटाले करके बैठे हैं, क्या योगदान है उनका राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। वो वाड्रा स्पेशल अरेंजमेंट, कोई जांच नहीं, कहीं से चले जाए, पार्लियामेंट मेंबर के बाप वाड्रा, क्या है साला ये वाड्रा, कहां का वाड्रा, हरामखोरों की फौज, लाखों अरबों घोटाला करने वाले लोग, क्या करतूत है इन लोगों, क्या योगदान है हिंदुस्तान के तवारीख में इनका, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। वहीं दिग्विजय सिंह द्वारा सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर कैलाश सोनी ने कहा कि इन दुष्टों के साथ क्या करना चाहिए, जो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने मरे, सोहराबुद्दीन पर सवाल उठाने वाला साला सेना पर सवाल उठाता है। ये लड़ाई दुश्मन से है, पर्चियों से है, तो इसमें कोई वो नहीं, हम सारे लोग एक हैं, ये हमारा भारत है, ये रोल अटल बिहारी वाजपेयी ने प्ले करके बताया, न तुम्हें विरोध आया, बोलो दुष्ट सालों को इनको क्या करना चाहिए, जो कह रहे हैं बताओ कितनी मर गई। सोहराबुद्दीन पे सवाल उठाने वाला, हिंदू आतंकवाद का आरोप मरने वाला ये दिग्विजय सिंह, अब 20 साल दूसरी ब्याह करके फुर्सत। कांग्रेस की कर्ज माफी पर सीधे कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कहां है कर्ज माफी, सिर्फ कमलनाथ की चिट्ठी पर लोगों के हाथ में है, बैंक से अपने खाते की नकल निकलवा कर रख लेना और जब कांग्रेस वोट मांगने आए तो उनको बताना कि कहां हुआ है कर्ज माफ। राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में हम बदल देंगे मुख्यमंत्री, आज तक हमारे खाते में पैसे नहीं आए, केवल कागज दे रहे राजनीतिक लोग, फार्म भरवा रहे, फार्म भराने की क्या जरूरत, खाते में सब लिखा किसका बकाया, देने की मंशा नहीं, क्यों छल कर रहे। इसी तरह से ना बेरोजगारों को भत्ता दिया गया, 40 दिन हो गए बेरोजगारों को भत्ता कम मिलेगा, इसके अलावा कोई भी, सबके फार्म वापस आ रहे हैं, खुलेआम जिस तरह से परिवहन विभाग के लोग लूट कर रहे हैं और जो घटनाएं आप देख रहे हैं तेंदुलखेड़ा में, फुलरी में, जिस दिन से ये कांग्रेस खेल खेलना चाहती है। कैलाश सोनी ने कांग्रेस को हराम खोरों की फौज बताया और कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान में मस्खरापन हो रहा है, भाजपा से बगावत करने वाले सरताज सिंह को, कन खजूरे व रामकृष्ण कुसमरिया को भी उन्होंने दुष्ट कहा। रमजान के दौरान चुनाव की तारीख बदलने की मांग पर मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लोग रमजान पर मुसलमान के वोट लेना तो चाहते हैं पर तारीख का ध्यान नहीं रखते। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब इस पर ही सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने रमजान के दौरान चुनाव की तारीखें बदलने की मांग की तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जैसे रमजान है वैसे ही चुनाव के दौरान हिंदुओं के त्यौहार अक्षय तृतीया और अन्य त्यौहार हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लोग रमजान पर मुसलमान के वोट लेना तो चाहते हैं पर तारीख का ध्यान नहीं रखते। बीजेपी विधायक ने कहा कांग्रेस और सपा मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है लेकिन मुस्लिम त्योहारों के समय चुनाव होने पर आपत्ति चुनाव आयोग के सामने क्यों दर्ज नहीं की। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रमजान का प्रतिनिधित्व करने सर्वदलीय बैठक में बैठे थे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और सर्वदलीय बैठक में बैठकर शायद निर्वाचन आयोग अपनी तिथियों के बारे में मोटा मोटा सबकी सलाह और मशवरा के साथ करता है। लोग रमजान पर मुसलमानों के वोट लेना तो चाहते हैं पर मुसलमानों के त्योहारों का ख्याल नहीं रखना चाहते, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहते। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा के दो बड़े नेता मुख्यमंत्री कमलनाथ में आस्था जताते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है पार्टियों में उठापटक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले
बसपा को बड़ा झटका देते हुए बसपा के कद्दावर नेता प्रदीप अहिरवार, सत्यप्रकाश जाटव, देवदत्त सोनी और पूर्व सांसद देवराज पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने बसपा विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बताया जाता है कि ये नेता अपनी पार्टी और पार्टी सुप्रीमो से खुश नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी मनोहर कांसीराम साहब ने दलित आदिवासी पिछड़ा गरीब तबके को सम्मान देने के लिए बनाई थी, आज बहुजन समाज पार्टी में वो सिद्धांत कहीं गौण हो गया है, दूर हो गया है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की। कमलनाथ जी बड़े सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे एक मेरी सौजन्य भेंट हुई थी चुनाव से पहले ये गठबंधन को लेकर, तभी से उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा। उन्होंने मेरे को एक बार फ़ोन लगाया तो, और मेरे तमाम कार्यकर्ता सुचिंतकों समर्थकों से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई उखाड़ फेंक सकता है, हरा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संगठन में वो स्थिति नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, और बहुजन समाज पार्टी इसीलिए हम लोगों ने छोड़ दी। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मुख्य रीजन ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांत है कि दलित शोषित पिछड़ों का भला होगा, तो बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक के दलित से हट करके, शोषितों से हट करके अब वो धन बल वाली पार्टी हो गई, और वहाँ गरीब वर्करों का और मिशनरी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। बसपा से अलग हुए नेताओं ने मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा ने ना ही सम्मान बचा है और ना ही पार्टी की जनता के प्रति कोई भागीदारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए नेता हमारे अपने हैं और जनता सेवा के लिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के पास जो कुछ है कांग्रेस की देन है। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, चाहे वह बेरोजगारी की बात हो या किसान की, मोदी ने सिर्फ एक सौदा किया है राफेल का, वो भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंकवाद बढ़ा है, चाहे वह संसद पर हमला हो या अभी की बात हो। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मंदिर मुद्दे पर राजनीति की और अब पुलवामा के बाद भारतीय सैनिकों के द्वारा हवाई हमले का भी श्रेय ले रही है। हवाई हमले का श्रेय देश के सैनिकों का हो। भोपाल नगर निगम के महापौर आलोक शर्मा मध्य प्रदेश में निजाम बदलने से खासे परेशान हैं। आलोक शर्मा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी और मेयर इन काउंसिल की अनदेखी कर रहे हैं। उनसे ना तो किसी काम के लिए पूछा जाता है और ना उन्हें तवज्जो दी जाती है। महापौर अब इस सब की शिकायत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से करेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता क्या बदली, अधिकारियों और कर्मचारियों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार शुरू कर दिया है। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा भी इस सब का शिकार हुए हैं। आलोक शर्मा का आरोप है अब नगर निगम कांग्रेस नेताओं के घर से चल रही है। उन्हें उद्घाटन, भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रमों की जानकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री और नेता सीधे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें हर बात से दूर रखा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नगर निगम भोपाल में महापौर को, महापौर परिषद को जो अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण भोपाल नगर निगम सीमा के जो हमारे 85 वार्ड हैं उसमें विकास के कार्य पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक और मंत्री अधिकारियों को अपने बंगले पे बुला रहे हैं, उनको सीधा निर्देश दे रहे हैं और सीधे विकास के कार्यों के प्रस्ताव बनाकर उनको स्वीकृति दी जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी MIC को न महापौर को दी जा रही है। कल ही एक भूमि पूजन 2 करोड़ से अधिक लागत का कोटला सुल्तानाबाद में हुआ है, PC शर्मा जी उसमें पहुंचे थे, मोनू सक्सेना जी के वार्ड में ही हुआ है, इसकी जानकारी भी निगम प्रशासन ने मुझे नहीं दी है।
मैंने इसके लिए नगर निगम आयुक्त से अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। आलोक शर्मा का कहना है नगर निगम में बिना महापौर और MIC सदस्यों की जानकारी के निर्णय लिए जा रहे हैं। इस सब से परेशान होकर BJP के महापौर और पार्षद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय में नगर निगम कमिश्नर की शिकायत करेंगे। BJP नेताओं को पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में BJP सभी 29 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी का जादू इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और अब की बार मध्य प्रदेश में 29 में से सारी 29 सीटें BJP हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, हमने कल धिक्कार दिवस मनाया कांग्रेस की दमनकारी सरकार के खिलाफ, और अब लोकसभा चुनाव में हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी, गोपाल भार्गव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी, सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में विजय का संकल्प जनता को और कार्यकर्ता को दिलवाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का हम अभियान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने एक बार फिर विकास कार्यों को रोक दिया है। सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को हथियारबंद नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नारायणपुर में कई दिनों की शांति के बाद नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया और रोड निर्माण में लगे वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने एक बार फिर विकास कार्य में लगी JCB मशीन और ट्रैक्टर समेत 6 वाहनों में आग लगाई। घटना के बाद से इलाके में लोगों की बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क निर्माण का कार्य रेंगाबेड़ा के पास बोरंड से करमरी तक चल रहा था। शाम को एक दर्जन से अधिक हथियारबंद नक्सली पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में ट्रैक्टर ड्राइवर और हेल्परों को काम बंद करने की चेतावनी देते हुए वाहनों में आग लगा दी। वहां मौजूद लोगों को काम बंद करने की धमकी भी दी। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नक्सली तब तक जंगलों में जा चुके थे। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। गैस टैंकर की बारातियों से भरी जीप की टक्कर हो गई। इस घटना में 2 बारातियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा छतरपुर के पास हुआ है।
छतरपुर के गढ़ी मलहेरा में एक दर्दनाक हादसे में दो बारातियों की मौत हो गई और 10 बाराती घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब बारातियों से भरी जीप शादी समारोह से लौटकर रंगोली जा रही थी, तभी गैस से भरे टैंकर की जीप से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप का कचुम्बर निकल गया और उसमें बाराती फंस गए। जैसे तैसे जीप से घायलों को निकाला गया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में बच्चों के अलावा महिलाएं भी शामिल हैं। 4 बजे करीब गाड़ी आ रही थी, एक टैंकर से टकरा गई जिसमें 10 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। अभी तक कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं आया। 8 लोग घायल पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही हो रही है और सब सीरियस मरीज पड़े हुए हैं। छतरपुर में प्रदेश की कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा, मध्य प्रदेश में लोगों को गुमराह करने वाली झूठी सरकार है। बीजेपी ने कांग्रेस के चुनावी वादों में किसानों की कर्ज माफी समेत युवाओं के साथ किए वादों को न निभाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। बीजेपी नेताओं ने सभा में कांग्रेस सरकार की आलोचना की। बालू में मस्त है, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा धरातल पे कांग्रेस पार्टी ने 3 महीने में एक भी काम नहीं किया। कमलनाथ ने प्रेस वार्ता बुलाई, प्रेस वार्ता में कहा कि हमने 83 बिंदु हल कर दिए। आप देखिए, वो कह रहे हैं किसानों को समृद्ध बना रहे हैं, उस बिंदु में किसान समृद्ध बन रहे हैं। आप किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, आपने वादा किया था। आप किसान समृद्धि योजना की लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं भेज रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ उल्टे सीधे बोलते हैं, दिग्विजय बोलते हैं। दिग्विजय देश के ऊपर शक कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के ऊपर शक कर रहे हैं। अगर हमारे सैनिकों ने एयर स्ट्राइक किया तो उस पर शक किया है। अब ये देश के नहीं हो सकते तो किसके होंगे? भारत के लोगों से जहां विदेशी लोग योग शिक्षा ले रहे हैं, वहीं हमारे यहां एक विदेशी बच्चों को योग शिक्षा दे रहा है। छतरपुर में गांधी आश्रम में एक विदेशी योगाचार्य की क्लास सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छतरपुर में एक ब्रिटिश नागरिक बच्चों को योग की शिक्षा दे रहा है। स्थानीय गांधी आश्रम में ब्रिटिश नागरिक रहीम हेजात बच्चों और बड़ों को कठिन से कठिन योग की क्रियाएं सिखा रहे हैं। रहीम हेजात अभी तक 40 देशों की यात्रा अपनी साइकिल से कर चुके हैं। उनका कहना है, ऐसा इसलिए ताकि लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। वे कहते हैं, योग इसलिए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। छतरपुर बुद्धचित गांधी आश्रम, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। धन्यवाद दीदी एंड संजय अभी इन छतरपुर। इनका उद्देश्य पूरी दुनिया को जोड़ना है, प्यार में बांध के रखना है और सबकी सेवा करना है। मेंटल रिलैक्स, पैसा नहीं चाहिए इनको, फ्री सेवा। बहुत अच्छा लगा रहा है, अंकल से मैंने योगा सीखा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, रहीम भाई मुझे उन्होंने योगा सिखाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हेजात ने बताया, उनका प्रयास है कि लोग हर हाल में स्वस्थ और प्रसन्न रहें। रेहान की माँ ब्रिटिश हैं तो वहीं उनके पिता हिंदुस्तानी, इसीलिए उन्हें भारत के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। रेहान ये योग की क्रियाएं निशुल्क सिखाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइए मत, जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। और भैया, चुनाव की घोषणा हो गई है और नेता तो ऐसे भैरण लगे। बता रू, कल एक नेताजी रात में ही ना उठ के अपने पत्नी के पैर छूने लगे, बोले वोट दो। रात में ये होने लगा है, बता रहे ऐसे ऐसे बहराने लगे नेता। ये एक भाई साहब उठ के ना रात में भाग लिए, वो वहाँ पहुँच गए अपने पार्टी कार्यालय, बोले टिकट दो टिकट दो। नींद में ऐसे घूमते हुए बता रहे हो, ये ऐसे ऐसे बहराने लगे ये लोग। हाँ, ये होने वाला है। और बता रहे हो, जो मांगना है मांग लो इनसे, इस समय अब चुनाव आ गया है, जो मांगना है मांग लो। दारू की वोट नहीं, जितनी मांगना है, जो पैसा वगैरह मांगना है, जो लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अभी ये दे देंगे फिर बाद में पकड़ में नहीं आए। वो बता रहे हो, चुनाव नहीं, ये 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव ये चरणों में क्यों होता है ये पता है तुम्हें? चरणों मतलब होता है कि पहले ये आएंगे तुम्हारे चरण छुएंगे, वोट दो वोट दो दो, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर तुम इनके चरण ढूंढते फिरना। हाँ, फिर इनके चरण नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भैया अभी कुछ दिन पहले एक बेहतरीन किस्म का कांड हुआ, जूता कांड मालूम है। वो सांसद महोदय ने 4 सेकंड या 5 सेकंड में 7 बार जूते ढबा ढब मार दिए विधायक को। तो ये तो चल जाए, बता रही हूँ। वो उसमें क्या है, मोदी जी का कहना है, मित्र हमने जूते को मजबूत किया है, जूता मजबूत होगा तो बूथ भी मजबूत होगा,
वोट की जगह वोट मजबूत हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बताओ ना, जूते की फैक्ट्रियां खुलेंगे, नया स्टार्टअप होगा, मजबूत जूते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा? इस पर राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये सरासर अन्याय है भैया, केवल जूते मारे उन्होंने, चप्पलें भी मारना चाहिए था भैया, ये अन्याय है चप्पलों के साथ। हाँ भैया, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पलों को भी महत्व देना चाहिए भैया। ये तो जल लिया है भैया, और मैं बता रहा हूँ, ये जो चुनाव में खड़े होंगे नेता, इनको अपना है ना आपराधिक रिकॉर्ड इन्हें देना पड़ेगा, 3 विज्ञापन देने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ 3 विज्ञापन होगा क्या? इनके भैया अपराधों के रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, कई मर्डर किए हैं, कईयों ने कुछ किए हैं, ये तो इसे आसान थोड़ी है इतना। और एक समाचार ये सुन लो भैया, कमलनाथ सरकार युवाओं को है ना बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही है भैया, वो ट्रेनिंग सीख के बैंड बजाएंगे धपा धप पी 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 पी। और मैं बता रहा हूँ कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा बैंड वालों में, ये बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये जैसे इनको बैंड बजाना सिखा रहे हो, अभी आ रहे हैं चुनाव, अब देखते हैं किसका बैंड बजाती हैं, ये तो भाई ये चुनाव में पता लगेगा। हाँ, और ये खबर इधर भी देख लो, ये हार्दिक पटेल है ना जो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और मैं बता रहा हूँ ये पटेल वटेल इनके आरक्षण के लिए कि इतने आंदोलन किए, इनको इकट्ठा किया, पटेलों को मूर्ख बनाया, बता रहे वो अक्षर वाक्षर तो मिला नहीं उनको, ये तो है ना इनको है ना कांग्रेस में जगह मिल गई, इनको बनना था नेता और बन गए, और पटेल अटेल जाए भाड़ भी है, इनकी नेतागिरी चलेगी, ये तो ऐसा तो हो रहा है बता रहे हो, ये सब चल लिया है। और मैं भैया जा रहा हूँ, कोई पार्टी वार्टी देखता हूँ, चुनाव आ रही है, कोई सांसद वगैरह का टिकट मुझे ही मिल गया, क्या मैं यहीं बैठा रहूँगा? हाँ, वो आप लोग भी देखो, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।